रहीम बसमान एवरीमान एंड वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड आई वेलकम यू टू डे थ्री ऑफ द एस पी एस एस ऑनलाइन कोर्स और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एस पी एस एस में डेटा एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डे वन में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया डे टू में और डे वन में हमने सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया था तो आई आई एम होपिंग कि आज आप सबके कंप्यूटर्स पर SPSS सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है अगर किसी ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो काइंडली डे वन की वीडियो देख लें मेरे चैनल पर उसको ब्राउज कर लें सॉफ्टवेयर डाउनलोड के नाम से और वो आपको उसमें पूरा प्रोसीजर डिटेल में मैंने बताया है कि हाउ टू डाउनलोड एस पी एस एस सॉफ्टवेयर फ्रॉम दी ऑथेंटिक वेबसाइट और डे टू पर फिर हमने बात थी की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैटेगरीज़ की नॉमिनल डेटा ऑर्डिनल डेटा और हमने इसके बाद इंटरवल रेशियो डेटा आज डे थ्री पे हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस शुरू करेंगे ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप सीखें कि डेटा एंटर किया कैसे जाता है ओके सो वेलकम टू दिस ऑनलाइन सीरीज ऑफ एस एस कोर्स और डे थ्री आज हम बात करेंगे डेटा एंट्री के हवाले से अच्छा डेटा एंट्री में आज मैं ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था जब मैं डेटा कर एंटर करने के लिए देखिए डेटा की कई सारी सोर्सेज हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास Excel में मौजूद हो हो सकता है डेटा आपके पास वैसे रैंडमली वर्ड फाइल्स में या डॉक्यूमेंट्स में आपके कंप्यूटर में मौजूद हो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन से वो डेटा एस पी एस एस में वेरिएबल्स की फॉर्म में एंटर किया जाता है अभी मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में ये बात अब सपोज आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि एक सर्वे का क्वेश्चन है और ये कंपनी है जिसका नाम है आसिम्स चॉकलेट फैक्ट्री इस फैक्ट्री में जो जो कस्टमर एंटर होता जा रहा है उसके हाथ में ये क्वेश्चन ये पकड़ाया जा रहा है और लोग इसको भरते जा रहे हैं लोग अपनी एज लिख रहे हैं जेंडर लिख रहे हैं आपने ये एंट्रिया करनी है सारी ऑल दीज एंट्रीज इन दी एस पी एस 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 पी एस एस में बेसिकली हम वेरिएबल्स एंटर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन किस बारे में बात कर रहा है एज के बारे में तो हम एज का वेरिएबल एज को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है एज तो एज हम

ब्लॉटिंग या पीसीआर या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री व्हाटएवर तो वहाँ से आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स निकलेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ स्टेन टाइप ऑफ स्टेन वो फिर अलग लेवल के वेरिएबल्स होंगे बट द पॉइंट इज कि एसपीएसएस में आप वेरिएबल्स रिकॉर्ड करते हैं एंटर करते हैं ताकि आप डेटा को एनालाइज कर सकें ठीक है हर ट्रांजैक्शन का हर क्वेश्चन का एक वेरिएबल आपने एसपीएसएस में डालना है तो अगर आप क्वेश्चन यूज कर रहे हो तो हर क्वेश्चन का एक वेरिएबल आपको पिक करना है और वो एंटर करना है आइए देखते हैं कैसे अब मैं स्टार्ट करता हूं सॉफ्टवेयर और मैंने यहां सॉफ्टवेयर खोल रखा है लेकिन इट्स वेरी इजी टू ओपन यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना होगा आई बी का जो हमने उस दिन डाउनलोड किया था यू सिंपली हैव टू क्लिक इट और ये विंडो आपके सामने आ जाएगी अच्छा जब ये विंडो आपके सामने आएगी तो इसमें यह एक प्रिलिमिनरी विंडो देता है इस प्रिलिमिनरी विंडो uh, से हमें बेसिकली कुछ नहीं कर रहा आई विल से डोंट शो दिस डायलॉग इन फ्यूचर क्योंकि हम सिंपल डेटा एंटर करेंगे एंड वी आर नॉट कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर विंडो ठीक है सो डोंट शो दिस एंड क्लोज So, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा जब आप इस सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो रफली इट लुक्स लाइक अ लॉर ऑफ सेल्स एंड कॉलम्स एक्सेल शीट की तरह लेकिन यहां अगर लोअर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये दो व्यू आ रहे हैं डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू अच्छा डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स की आप एंट्री करेंगे वो वेरिएबल व्यू में जाके करेंगे सो so, आपने क्लिक करना है वेरिएबल व्यू ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी अब मैं अपना क्वेश्चन आर खोल रहा हूँ जो क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसको यहाँ साइड पर लेके आ जाते हैं और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हाउ आर वी गोइंग टू एंटर द डेटा ठीक है डेटा हम किस तरह एंटर कर रहे हैं ये क्वेश्चन एर था ना हमारे सामने इसमें पहला वेरिएबल क्या था एज तो देखिए मैं वेरिएबल व्यू में मैं एंटर हो चुका हूं वेरिएबल व्यू में दिस इज द वेरिएबल व्यू और वेरिएबल व्यू में एंटर होके मी रिसाइज इट वेरिएबल व्यू में नंबर वन पे यहां नंबर वन लिखा हुआ है वेरिएबल व्यू डबल चेक कर लें नंबर वन लिखा हुआ है नंबर वन में मैं यहां जाके लिखूंगा एज और जैसे ही मैं एज लिखूंगा और एंटर क्लिक किया मैंने एंटर क्लिक करने पर ये सारी वैल्यूज यहां इस तरह से ऑटोमेटिकली एंटर हो गई हैं ठीक है थीके? अच्छा अब इसको जरा समझते हैं एज इज न्यूमेरिक नंबर दैट मीन जब कोई बंदा एज लिखेगा तो वो नंबर लिखेगा ना बारह बारह साल का या अठारह साल का या बीस साल का सो so, इसने ऑटोमेटिकली पिक किया है कि एज इज अरिक टाइप ऑफ डेटा और एज ज्यादा से ज्यादा तीन डिजिट्स की लिखी जाएगी हंड्रेड ईयर्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व ईयर्स कोई पाँच हज़ार साल का तो नहीं होगा सो यहाँ पे व्रत का मतलब ये है कि जब कोई बंदा एज एंटर करे तो उसको कितने डिजिट्स अलाउ किए जाएं लिखने के लिए यानी अगर मैं इस व्रत को यहाँ पे टू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस व्रत को यहाँ टू कर देता हूँ तो अब ये शख्स अपनी एज हंड्रेड एंटर नहीं कर सकेगा यानी अगर उसको हंड्रेड एज अपनी लिखनी होगी तो वो यूं लिखेगा ना वन जीरो जीरो तो तीन डिजिट्स हो जाएंगे तो उसकी व्रिरत तीन लेकिन मैंने यहाँ पर अलाउ कितनी की हुई है व्रथ सिर्फ दो डिजिट्स इसीलिए हम इसको ज़्यादा अलाउ करते हैं यानी एट डिजिट्स अलाउ कर देते हैं

तो अब ये डिटेल लेबल हो गया कि जी एज किसकी एज एज ऑफ कस्टमर सो यू कैन टाइप इट देयर अच्छा वैल्यूज यहां पे हम कोई भी नहीं असाइन करेंगे और ये मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा क्यों नहीं असाइन करेंगे क्योंकि यहां पर नंबर्स एंटर होंगे इंटरवल रेशियो टाइप का डेटा एंटर होगा तो चूंकि नंबर्स एंटर हो रहे हैं तो हम यहां पर वैल्यूज असाइन नहीं करते ये मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं ये वैल्यूज आप इग्नोर कर सकते हैं इसकी आपके लिए कोई खास वो नहीं है इंपॉर्टेंस अलाइनमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेजर uh, यहां पे आप अगर खुद से पिक कर लें कि एज किस तरह का डेटा है तो आप यहां पे ऐड कर भी सकते हैं एज इज द स्केल डेटा ये आपको पहले से बात पता है कल मैंने पढ़ाया था इंटरव्यू रेशियो डेटा टाइप को हम स्केल डेटा भी कहते हैं इट्स क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं एसपीएसएस में इसको स्केल लिखा जाता है और इसने ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लिया है चूंकि नंबर यूज होते हैं Um, तो ये स्केल इसने खुद पिक कर लिया अगर आप नॉमिनल डेटा यूज कर रहे होते तो आप पिक कर लेते नॉमिनल डेटा अगर ऑर्डिनल डेटा होता तो आप पिक कर लेते ऑर्डिनल डेटा ओके सो एज का वेरिएबल क्वेश्चन नंबर वन में वेरिएबल क्या था एज वो हमने एंटर कर लिया अब मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर टू में वेरिएबल क्या है जेंडर सो so मैं अगेन वेरिएबल व्यू में होना जरूरी है डेटा व्यू में मैं नहीं जा रहा देखें वेरिएबल व्यू में एंट्री होगी ये बात याद रखिए डेटा एंटर सारा होगा वेरिएबल व्यू में एनालाइज होगा डेटा व्यू में ठीक है तो इस वक्त अगेन वेरिएबल व्यू में आ जाए ये देखें मेरा कर्सर यहां है वेरिएबल व्यू और वेरिएबल uh, व्यू में आने के बाद सेकेंड मुझे वेरिएबल एड करना है जो कि है जेंडर तो मैं यहां अब लिखूंगा जेंडर ठीक है और एंटर हिट करूंगा जैसे ही एंटर हिट करूंगा अब ये फिर खुद से सारे को भर रहा है अब मैं इसको देखता हूं कि ये ठीक भरा है या नहीं अच्छा जेंडर इज अमेरिक वैल्यू अच्छे यहां हम इसको न्यूमेरिक इसलिए रहने देंगे क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हम क्यों न्यूमेरिक कह रहे हैं विर्थ अभी छोड़ दें डेसिमल को जीरो ही कर दें यहाँ पे हम डेसिमल नहीं हमें चाहिए और यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं जेंडर ऑफ कस्टमर्स ठीक है वैल्यूज अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है देखें अब मैं क्या करना दो तरह के फॉर्म में एंटर अगर मैं क्लिक करता हूं आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू लेबल इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा जिसको हम ऐड करेंगे ठीक है यहां मैं एंटर करूंगा वैल्यू वन अब ये, ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ so, ये तीन डॉट्स आ रहे हैं इसको क्लिक किया जब इस तरह की विंडो खुलेगी यहां आप एड का बटन दबाए प्लस का जो बटन दबा हुआ है तो ये ग्रे हो जाएगा इसको आप नाम दे दें वन सो वन मींस और अब यहां लेबल पे क्लिक करें और यहां लिखें मेल सो so इसका मतलब ये होगा कि जब कभी इस एसपीएसएस में वन एंटर किया जाएगा सो so एसपीएसएस समझ जाएगा कि वन का मतलब है मेल ओके सो दैट शुड बी एडेड दूसरा वेरिएबल एड करते हैं टू को हम असाइन कर देते हैं फीमेल दैट बिकम्स फीमेल सो अब ये आपने एंटर कर दिया आप इसको ओके कर दें तो यहां पर अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे दो वेरिएबल्स बताएगा कि वन मीन्स मेल एंड टू मीन्स फीमेल अच्छा मैं वन फीमेल को भी कर सकता था और टू मेल को भी कर सकता था इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है चूँकि कोई प्रेफरेंस नहीं है और यहाँ पे हम अब आपको समझ में आया मैं न्यूमेरिक क्यों कह रहा था क्योंकि हम जब एंटर करेंगे डेटा व्यू में डेटा को तो वन और टू एंटर करेंगे पूरा पूरा मेल और फीमेल बार बार नहीं लिखना हमें अगर कोई फॉर्म में मेल को टिक करता है तो हम सिर्फ वन लिख देंगे उसमें और एसपीस खुद समझ जाएगा कि ये वन का मतलब मेल है ओके okay? अगर आपने थर्ड कैटेगरी भी एंटर करनी है ट्रांसजेंडर तो आप थर्ड और फिर यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी ऐड कर सकते हैं ओके okay? सो टेगरीज एड सो तीन कैटेगरीज हो गई अच्छा ये कॉलम 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 मेजर किस टाइप का है आपको पता है कि जेंडर कौन सी कैटेगरी है इट इज नॉमिनल कैटेगरी तो इसने खुद नहीं पिक किया मैंने पिक कर लिया ठीक है ये पिक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो कल आपने पढ़ लिया है आपको ऑलरेडी पता है दूसरा जब आप डेटा एनालाइज करेंगे सो हर वेरिएबल को उसकी कैटेगरी असाइन अगर आपने कर रखी है तो एनालिसिस में बहुत आसानी होगी ठीक है अच्छा जी थर्ड वेरिएबल देखें क्या है थर्ड वेरिएबल है ग्रॉसरीज पर मंथ तो मैं इसको यहां नाम दे सकता हूं ग्रॉसरीज जीआर शॉर्ट में लिख दिया मैंने पर मंथ ओके ग्रॉसरीज पर मंथ एंटर ओ ओके एक्चुअली ये पॉइंट और वो डॉट इस तरह अलाउ नहीं करता सो so, मैं यहां लिख देता हूं ग्रॉसरीज अमाउंट ठीक है ये मैंने इस वेरिएबल को नाम दे दिया और एंटर हिट कर दिया अच्छा अब जब मैंने इसको एंटर हिट कर दिया तो अगेन इसने वही सब काम किए हैं देखें नंबर विथ की है इस डेसिमल को मैं जीरो कर देता हूं तो मुझे जीरो ये अलाउ कर दें टू, हो सकता बाज लो में लिखें कि मैंने रुपीस है so अच्छा, लोग पॉइंट्स तो आप एक नेम दे रहे वेरिएबल वेरिएबल का और फिर आगे उसको डिटेल में लेबल कर रहे हैं कि उस वेरिएबल का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है ठीक है अच्छा यहाँ मैं वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि कोई बंदा दस रुपये खर्च कर रहा होगा कोई सौ रुपये खर्च कर रहा होगा कोई 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 हज़ार रुपये खर्च कर रहा होगा तो मैं कितने लेवल्स दूंगा कि वन इज इक्वल टू दस रुपये नहीं दे रहे तो इसको हम ओपन छोड़ देते हैं जिस तरह हमने एज को ओपन छोड़ा था जो बंदा मर्जी चाहे इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकता है कितने डिजिट्स तक की आठ डिजिट्स तक की अगर आपको लगता है कोई शख्स ग्रॉसरीज पे आठ डिजिट से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं आप इसको दस कर दें दिस इज़ इन योर कंट्रोल ठीक है ये आपके हाथ में है यू कैन डू दिस अच्छा ग्रॉसरीज यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा

पर मंथ ठीक है तो ये आपने डिटेल में बता दिया कि इस वेरिएबल का लेबल क्या है और चूंकि यहां भी एक आप मुझे बताएं ये अगर मैं मेजर की बात करूं तो कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट है ये स्केल ऑर्डिनल या नॉमिनल दिस विल बी स्केल वैल्यू क्वांटिटेटिव वैल्यू क्योंकि यहां एक अमाउंट आएगा सो so देखें आप कितनी आसानी से डेटा एंटर करते जा रहे हैं दिस इज हाउ यू एंटर डेटा ये वेरिएबल्स जनरेट कर रहे हैं आप क्वेश्चन से अपने एसपीएसएस में पांचवा क्वेश्चन क्या है रफली हाउ मनी चॉकलेट बार्स डू यू बाय अ वीक चॉकलेट बार्स अगला वेरिएबल एंटर हिट करूंगा और जैसी इट कंटेन्स इीगल कैरेक्टर्स क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया था बीच में स्पेस अलाउड नहीं है इसमें चॉकलेट बार्स एंटर कर दें आपके पास इस तरह से आ जाएगा और ये भी चूंकि नंबर होगा तो मैं इसको स्केल कैटेगरी कर देता हूं और यहां मैं डिटेल में लिख देता हूं चॉकलेट बार्स पर वीक ठीक है जी तो ये नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स आ गए पांचवा क्वेश्चन है रफली हाउ चॉकलेट दैट वाज हाँ नंबर सिक्स क्वेश्चन है च इज योर प्रीफर्ड चॉकलेट बार तो मैं यहां वेरिएबल को नाम देता हूं चॉकलेट प्रिफरेंस और एंटर हिट जैसे ही करता हूं तो ये मेरे पास आ गया अब यहां पे मेरे पास सिर्फ तीन ऑप्शंस हैं तो मैं इनको वैल्यू दे सकता हूं एक्चुअली जरा देखिए चूंकि सिर्फ तीन ऑप्शंस हैं तो मैं ये लेबल एक तो कर देता हूं इसको कि चॉकलेट प्रिफरेंस ये सेम ही होगा वैल्यू इस तरह दे सकता हूं कि वैल्यू में जाके अगर मैं ये तीन डॉट्स क्लिक करता हूं और एड वैल्यू करता हूं और वन को वैल्यू दे देता हूं डार्क चॉकलेट जो कि मेरे क्वेश्चनर में लिखा हुआ है पहली कैटेगरी और मैं फिर ऐड कर देता हूँ टू को वैल्यू दे देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल मिल्क चॉकलेट और थ्री को वैल्यू दे देता हूँ जो मेरे कोशनर में लिखा हुआ है वाइट uh, चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट और मैं इसको ओके okay कर देता हूँ तो अब अगर वन एंटर होगा तो एसपीसी लिखेगा डार्क टू एंटर होगा तो एसपीसी लिखेगा मिल्क थ्री एंटर होगा तो एसपीसीस लिखेगा व्हाइट मुझे बताइए ये मेजरमेंट कौन सी होगी ऑर्डिनल नॉमिनल या स्केल चूंकि यहाँ चॉकलेट की टाइप्स हैं कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है कल मैंने डिटेल में समझाया था दिस विल बी नॉमिनल डेटा तो आपने इसको लेबल कर दिया एज अ नॉमिनल डेटा सातवां क्वेश्चन देखें हाउ सेटिस्फाइड आर यू तो यहाँ पे आप इसको लेबल दे दीजिए नेम दे दीजिए सेटिस्फैक्शन और एंटर को हिट कर दें यहां डिटेल में दे दें सेटिस्फैक्शन लेवल और सेटिस्फैक्शन लेवल्स देखें कितने हैं यहां पे एक दो तीन चार तो मैं इनको वैल्यू दे सकता हूं चार वैल्यूज में ऐड कर सकता हूं सो so, पहली वैल्यू मैं ऐड कर देता हूं हाईली सेटिस्फाइड ठीक है जैसे कि वहां ऐड भी की हुई है हाईली सेटिस्फाइड uh, दूसरी वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ क्या थी सेटिस्फाइड सो नंबर टू इज इक्वल टू सेटिस्फाइड एंड नंबर थ्री इज इक्वल टू एक और वैल्यू ऐड करते हैं नंबर थ्री इज इक्वल टू नॉट सेटिस्फाइड और एक और वैल्यू एड करते हैं विच इज नंबर फोर और नंबर फोर इज इक्वल टू हाईली अनसेटिस्फाइड तो ये मैंने चार एंट्रीज कर दी हाईली अन सेटिस्फाइड और मैं इसको ओके okay कर दूंगा राइट right? अब ये चूंकि ऑर्डर है ये कल मैंने आपको बताया था तो दिस डेटा कैटेगरी क्या कहलाएगी दिस विल बी ऑर्डिनल डेटा तो यहां से आप क्लिक करके ऑर्डिनल को पिक कर लेंगे आ, यहां डेसिमल्स आप सारे जीरो भी कर सकते हैं मैंने आपको पहले बताया आप रख भी सकते हैं इट्स अपू यू ड मैटर एट्थ क्वेश्चन क्या है so, लाइकली चांसेस दे को हिट करें और जैसे एंटर को हिट करेंगे अगेन सारी चीजें खुद भर देगा आपने इनको देखना है क्या ये सब ठीक है लेवल इसको दे दें री कॉन्फिडेंस लेवल यानी ये दोबारा खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे कितनी कैटेगरीज दी है एक दो तीन चार तो अगेन वैल्यूज एड कर सकते हैं हम पहली को आप वैल्यू दे दें क्या है हाईली लाइकली यानी बहुत चांसेस हैं कि ये लोग दोबारा शॉपिंग करेंगे यहाँ से ये बहुत खुश हुए हैं हाईली लाइकली और ऐड कर दें टू में नंबर दे देता हूँ लाइकली को टू इज लाइकली एंड देन एक और ऐड करें थ्री में वैल्यू नंबर दे देता हूँ नॉट लाइकली जैसा कि क्वेश्चन एयर में लिखा हुआ है और फोर मैं वैल्यू एक और ऐड करें फोर मैं वैल्यू दे, दे देता हूँ किसको हाईली अनलाइकली Highly unlikely, okay? अब इसको आप ओके okay कर दें तो क्वेश्चन में जो चार कैटेगरी वो चारों यहां रिफ्लेक्ट हो गई यह भी कैटेगोरिकल डेटा है कल हमने डिस्कस किया था इसीलिए इसमें ऑर्डर है तो इसको हम ऑर्जिनल लेवल कर देंगे सो अब ये देखिए जरा आपके सिस्टमैटिक तरीके से यह आपका क्वेश्चन था पूरे का पूरा क्वेश्चन हर सवाल में एक वेरिएबल था और वो वेरिएबल बहुत ही खूबसूरती से आपने एंटर कर दिया अब कहा SPSS के वेरिएबल व्यू में आठ सवाल थे ना देखें हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैड एट क्वेश्चंस एट क्वेश्चंस मतलब एट वेरिएबल एंट्रीज ठीक है अब आइए जरा डेटा व्यू में डेटा व्यू में जब हम यहां आ गए तो अब ये आपको यहां पे ये सारे ऊपर न सिर्फ कॉलम्स पे नाम बता रहा है जो आपने वहां एंटर किए थे बल्कि उनकी मेजरमेंट स्केल टाइप भी बता रहा है जरा देखिए एज इसका मतलब होता है स्केल मेजरमेंट जो कि हमने लिखा था जेंडर नॉमिनल डेटा ये पूरी डिटेल जैसे ही मैं इस कर्सर लेके जाऊंगा कर्सर यहाँ लेके गया तो ये बता रहा है मुझे देखिए नेम एज है लेबल एज ऑफ कस्टमर्स है और डेटा टाइप क्या है तो ऑल द डिटेल्स इट गिव्स यू न्यूमेरिक डेटा एंड मेजरमेंट ऑफ स्केल स्केल डेटा अगर मैं जेंडर पे क्लिक करता हूं सो इट इज जेंडर उसका नाम है किसका जेंडर जेंडर ऑफ कस्टमर्स न्यूमेरिक डेटा है ये आ, हर एक पर एक सिंबल बना हुआ है और वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी ठीक है अब देखें जैसे ही मैं जेंडर में वन टाइप करूंगा या टू टाइप करूंगा या थ्री टाइप करूंगा या टाइप uh, करूंगा सो यान वुड मीन हमने क्या लिखा था जेंडर में वन किसके बराबर है अगर जेंडर में मैं जाता हूं और मैं वैल्यूज देखता हूं तो वन इज इक्वल टू मेल सो इसका मतलब ये हुआ कि वन इज मेल अब या तो मैं पूरा मेल लिख रहा होता या सिर्फ वन लिखूं ये खुद पिक कर लेगा अच्छा एज में कुछ भी लिख सकता हूं अब मैं आपको ये वन बाय वन एक आध एंट्री फिल करके दिखाता हूं सपोज आप पहला क्वेश्चन फिल कर रहे हैं ये आपका पहला कस्टमर है जो एंटर हुआ आपके शॉप में और इसने एंटर होकर क्वेश्चन भर दिया और आपके हाथ में दे दिया और इसने अपनी एज लिखी फोर्टी फाइव और ये कस्टमर था मेल और इस कस्टमर में ग्रॉसरीज अमाउंट अब ये क्या था इसको मैं देखता हूँ ग्रॉसरीज पर मंथ ये ग्रॉसरी करता है बीस हजार रुपए की पर मंथ ओके चॉकलेट अमाउंट उसमें से चॉकलेट कितनी लेता है ये पाँच सौ रुपए की चॉकलेट्स लेता है चॉकलेट बार्स पर वीक कितने इस्तेमाल करता है दो चॉकलेट बार्स इस्तेमाल करता है चॉकलेट प्रेफरेंस इसकी क्या है अच्छा चॉकलेट प्रेफरेंस में आपको याद है तीन कैटेगरीज थी चॉकलेट प्रेफरेंस में तीन कैटेगरीज थी डार्क मिल्क और वाइट सपोज ये बंदा व्हाइट चॉकलेट प्रीफर करता है तो मैं वहां डेटा व्यू में एंटर क्या करूंगा थ्री क्योंकि थ्री वाज़ व्हाइट चॉकलेट सेटिस्फेक्शन में चार कैटेगरीज थी सपोज मैं इसमें लिख देता हूँ वन और री बाय करूंगा या नहीं करूंगा हो सकता है मैं इसमें वन लिख दूँ अब आपके पास ये आपने सारे वेरिएबल्स एंटर कर दिए सो कस्टमर आपको ये क्वेश्चन भर के देखे गया आपने उसके जो भी आंसर्स उसने दिए थे वो इसमें एंटर कर दिए सपोज अब आपके पास दूसरा कस्टमर उसका फॉर्म है वो कस्टमर पचपन साल का है वो फीमेल कस्टमर है टू लिख दिया उसकी ग्रॉसरीज पर मंथ होती है पच्चीस हजार रुपए की और वो चॉकलेट पे अमाउंट स्पेंड करता है वन थाउजेंड रुपीज वो फाइव बार्स यूज करता है और चॉकलेट प्रेफरेंस उसकी नंबर टू टाइप ऑफ कैटेगरी है और सेटिस्फेक्शन लेवल वन है और री वन करेगा तो ये अब आप डेटा एंड आपके पास अगर सौ कस्टमर्स होंगे तो आप सौ फॉर्म तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए थ्री फोर फाइव सिक्स ये नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंडिकेट कर रहा है और ऊपर ये जो लेबल हुआ हुआ है ये वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहा है ठीक है अच्छा एक इसमें और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं ये एक आप देख रहे हैं ये वन और ए ये इस तरह का एरो बना हुआ है इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब आपके पास वो जो कोडिंग थी वन और टू वो कोडिंग हटके इसका रियल नाम आ गया है यानी पहले मैंने यहां देखें इस तरह से दोबारा दिखाता हूं आपको इसको दोबारा क्लिक करें पहले ये वन और टू लिखा हुआ था ना जेंडर में लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूं तो ये यहां पर मेल और फीमेल लिखा हुआ आ जाता है इसी तरह आप जरा यहां देखें ये चॉकलेट प्रेफरेंस और सेटिस्फेक्शन अभी यहां पर देखें क्या लिखा हुआ चॉकलेट प्रेफरेंस में थ्री और टू ना मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा मुझे बता देगा थ्री का मतलब व्हाइट चॉकलेट था और टू का मतलब मिल्क चॉकलेट था वन का मतलब हाईली सेटिसफाइड था वन का मतलब हाईली लाइकली था सो यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड कि आपका ये वन वन टू डेटा या तो या आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई वन का मतलब क्या है में में चले जाएं में जाके देखें कि जेंडर में वन का मतलब क्या था तो यहां से भी आपको पता लग सकता है क्योंकि आपने खुद एंटर किया है लेकिन एसपीएसएस ये आपको पावर देता है कि आप यहीं से देख लें इस इस बटन को क्लिक करके कि आपकी डिफरेंट एंट्रीज की कोडिंग क्या थी बेसिकली ठीक है सो so प्रीजी आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर आपके पास क्वेश्चनर्स मौजूद हों तो उन क्वेश्चनर्स में हर क्वेश्चन में से एक वेरिएबल पिक करके आपने वेरिएबल एंटर कैसे करना है उस वेरिएबल को लेबल कैसे करना है अगर उसको वैल्यूज असाइन करनी है तो वैल्यूज किस तरह असाइन करनी है और फिर मेजरमेंट ऑफ स्केल देखें कल का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था डे टू का मैंने आपसे कहा था कि डे टू में जब आप नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा सीखेंगे तो डेटा एंट्री में आपको हेल्प होगी हुई ना आज हेल्प आपको सो ये आपने असाइन कर दिया जब आपने सारे वेरिएबल्स एंटर कर दिए अब आपने क्वेश्चनर्स उठाने हैं और जो भी कस्टमर्स ने रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स आप इसमें एंटर करते चले जाएंगे सो अगर आपके पास सौ फॉर्म्स हैं तो सौ एंट्रीज हो जाएंगे दो 200 फॉर्म्स हैं तो 200 सौ एंट्री हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन यही है वेरिएबल्स यही रहेंगे आपने सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज भरते चले जाना है और ये हो गई डेटा एंट्री कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि जो डेटा आपने एंटर किया है उसे ग्राफ्स किस तरह बनाते हैं सो so, कल हम ग्राफ करना एनालिसिस करना सीखेंगे मेरी कोशिश ये है कि एस पी का इस्तेमाल आपके लिए आसान से आसान बनाया जाए ताकि आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकें अपनी रिसर्च के लिए सो ऑल द वेरी बेस्ट आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपना ख्याल रखिए आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अब दोबारा एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एस को यूज़ करके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बहुत शुक्रिया